तो गाइस यार, सबसे पहले तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ कि इतने दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही है। और वीडियो ना आने का रीज़न जो है, आप समझ ही सकते हो कि भाई अभी हर किसी के यहाँ पे काम चल रहा है, तो गाइस हमारे यहाँ पर भी काम चल रहा है। गाइस गेहूँ की कटाई, भाई गवाई, उसके बाद भूसे की ढुलाई, तो काफ़ी काम थे। और एक और बात थी भाई, मेरे पास जो लड़के थे यार, तो वो चले गए, तो टीम में मैं अकेला हो गया भाई। अब आप समझ ही सकते हो, तो मैं अकेला हो गया, तो भाई आप मैं क्या कर सकता हूँ अकेला। तो अब दोबारा से मैंने एक टीम बना ली है, दो तीन बंदे और हमारे टीम में अब आ चुके हैं दोबारा से। तो अब फिर से अपना काम की शुरुआत करते हैं। और गाइस आज के बाद देखते हैं कि हमारी जो वीडियो है वो रेगुलर आ पाती है या फिर नहीं आ पाती है, क्योंकि जो बंदे आए हैं वो टिक पाते हैं या फिर नहीं टिक पाते। गाइस इनसे यार प्रॉमिस तो यही किया है इन्होंने कि भाई हम रेगुलर काम करेंगे, तो देखते हैं ये रेगुलर काम करते हैं नहीं करते हैं। तो आज के बाद भाई वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम रोज़ आपको वीडियो दें, रोज़ नहीं तो दूसरे दिन तो वीडियो देना ही देना है। तो चलो अब शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। और भाई देखो, ये जो बाइक है भाई, ये बाइक आप समझ सकते हो कि ये रोड पे चलती है। और गाइस अगर इस बाइक को पानी में चला जाए तो फिर कैसा रहेगा? क्या इस बाइक को पानी में चलाना संभव है या फिर नहीं है? तो भाई आंसर यही होगा आपको कि नहीं भाई, ये बाइक तो रोड पे चलती है तो पानी में कहाँ से चल जाएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस बाइक को भाई चलाने वाले हैं पानी के ऊपर। गाइस चलो इसको बनाते हैं और फिर लेके चलते हैं इसको पानी में, और फिर देखते हैं कि जो हमारी बाइक है वो पानी के ऊपर चल पाती है फिर नहीं चल पाती है। तो गाइस यार, आप सभी लोग इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक का बटन है वो जल्दी से दबा दीजिए, और चलो हम शुरू करते हैं और इस बाइक को बनाते हैं पानी के ऊपर चलने वाली बाइक। गाइस आज से कुछ दिन पहले हमने एक पानी में चलने वाली बाइक बनाई थी, वो हमारी फेल हो गई थी। तो मैंने बोला था वीडियो में हम आगे चल के बनाएंगे। तो गाइस आज हमको टाइम मिला है इस बाइक को पानी में चलने वाली बाइक बनाने के लिए, तो चलो हम आज बनाते हैं और इसको लेके चलते हैं नहर में, और वहीं पर करते हैं मज़े और देखते हैं कि हमारी जो बाइक है वो पानी के ऊपर तैर पाती है फिर नहीं तैर पाती है। तो गाइस बाइक को पानी में तैराने के लिए गाइस हमारे पास ये तीन ट्यूब देख सकते हो, ये तीन जो ट्यूब हैं वो हमने ये बाइक की भाई रिम्स पर ही फिट कर लिए हैं, और इन रिम्स को जो है हम अपनी इस बाइक में लगाएंगे। गाइस हमको इसको चलाने के लिए भाई तीन ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई पानी में हम इस बाइक को पैरों से तो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई पैरों से बाइक को पानी में कैसे रोक लेंगे भाई, ज़मीन पे तो रोक सकते हैं। तो इसके लिए हमने इसमें तीन ट्यूब लगाए हैं। इस गाइस हम अपनी बाइक को तीन पहिए का रिक्शा बनाएंगे, जिससे कि हमारी बाइक जो है आसानी से पानी के ऊपर तैर सके और हमको पैरों से रोकनी भी नहीं पड़े, क्योंकि भाई जब रिक्शा बन जाएगा दो टायर पीछे लगा देंगे, एक टायर आगे लगा देंगे, तो भाई बाइक का गिरने का झंझट जो है ख़त्म हो जाएगा। और गाइस इन जो ट्यूब में हवा भरी है उसकी मदद से हमारी जो बाइक है वो पानी के ऊपर तैर पाएगी। तो चलो आइडिया हमारा कामयाब होता है या फिर नहीं होता है, तो चलो वो देखते हैं जल्दी जल्दी से इसको सेट करके। तो गाइस देखो, बाइक का भाई पिछला पहिया हमने यहाँ से निकाल दिया है, और यहाँ पे अब हम ये ट्यूब वाले बड़े बड़े टायर फिट करेंगे। तो ये वाले भाई सिस्टम ये यहाँ पे लगाएंगे। देखो कुछ इस तरह से इसको यहाँ फिक्स करेंगे भाई। एक और टायर है इसका, मैं वो भी उठा लूँ, ये वाला भाई। और गाइस कुछ इस तरह से ये लग जाएंगे तो भाई बाइक क्या बन जाएगी। इस तरह से। तो गाइस फाइनली भाई देखो, हमने ये पहिए जो हैं वो सेट कर लिए हैं, इसमें देखो धुरा लगा के, और भाई ये सेटअप बनाया है, इसकी अलग से हमने कैंची बनाई है। और भाई काम करते करते हमको रात हो गई, अब रात क्या हो गई, हमको दिन में थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, तो हमने कहा चलो पूरी वीडियो रात में शूट कर लेते हैं और चला के भैया दिन में दिखा देंगे। तो चलो इसको लगाते हैं यहाँ पे इस तरह से। और भाई अभी अगला पहिया भी बाकी रह गया फिट करने के लिए, लगवा भाई, निकाल दो बाइक उठा के। हाँ बड़ा बड़ा बड़ा, अब यहाँ पे बोल्ट लाओ कैंची का, कैंची का बोल्ट बड़ा वाला,
तो गाइस फाइनली भाई देखो पीछे वाले पहिए तो लगा लिए हैं और अभी आगे वाला पहिया लगाने के लिए रह गया है। वही भी पहले टेस्ट करके देखता हूँ भाई ये वजन साथ पा रही है नहीं। हाँ के साथ भी पाएगी कि वैसे ही भाई मेहनत बेकार जाएगी। ओ भाई यहाँ तो यार चल रही है देखो देखो लो पूरा वजन साथ रही है भाई और मुझे तो पक्का यकीन है अब की बार तो भाई नहर में कामयाब हो जाएगी। केवल हमारा अगला पहिया जो है वो अच्छे से फिट हो जाए। तो देखो अभी तो भाई यहाँ तो पूरा काम कर रही है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, पूरा सिस्टम वजन वगैरह पूरा झेल रही है मेरे अकेले का तो, और पानी में भी पूरा वजन झेल लेगी। ठीक है गाइस हमने अब की बार पूरी सेफ्टी के साथ बनाया है क्योंकि भाई अब की बार इसको ज्यादा पानी में उतारेंगे हम। तो चलो फटाफट से इसका अगला पहिया भी सेट कर लेते हैं और भाई उसके बाद लेके चलते हैं नहर में। और देखो भाई ये अजूबा ही लग रही है, क्या बाइक थोड़ा ही लग रही है तो कुछ दुनिया का आठवां अजूबा बन चुका है वो। चले मत जाना तो गाइस फाइनली भाई साहब अपनी जो बाइक है वो हम लेके नहर पे आ चुके हैं। देखो ये सामने नहर है और भाई नहर में पानी देख सकते हो आप कितना पानी है भाई, पूरी नहर फुल चल रही है। और आज अपनी इसी बाइक को भाई पूरी बड़े पानी में उतार देंगे और देखते हैं कि भाई साहब ये पानी में तैर पाती है फिर नहीं तैर पाती है तो वीडियो काफी रिस्की होने वाली है। तो प्लीज यार आप ऐसा कुछ भी ट्राई करने की कोशिश मत करना क्यों भाई पानी काफी ज्यादा है। और भाई आप समझ सकते हो कि ये जो प्रोजेक्ट है वो सफल हो या फिर ना हो तो भाई कुछ भी हो सकता है, इसलिए प्लीज आप ऐसा कुछ भी ट्राई करने की कोशिश मत करना। तो गाइस चलो फिर इसको उतारते हैं पानी में और मैं भाई कपड़े उतार लेता हूँ। देखो भाई कपड़े पहन के अगर इसमें लगाए मतलब इसको लेके जाएंगे तो भाई कपड़े भी भीगेंगे और कपड़ों में वजन ज्यादा होगा तो भाई बाइक में वजन ज्यादा हो जाएगा तो फायदा नहीं है, है ना। तो मैं कपड़े उतार लेता हूँ और उसके बाद भाई इस पे बैठते हैं अपने यहाँ के आठवें अजूबे पर। तो पीछे से रोकेंगे आराम से पानी तो जान छोड़ियो मुझे बिठाल के नहीं चला पाएगी क्योंकि भाई इसमें वजन ज्यादा है मुझमें और इस बाइक में भी वजन ज्यादा है तो ये केवल सादा चल सकती है केवल बिना बिठाए हुए। अरे वो भी भारी है यार चल चलो चल उतर गई भाई एक बार बैठ जाऊं दोबारा फिर
में चले जाते यार। ये बैठ के नहीं चलेगी भैया, बोलो बैटरी चल रहा है, ऐसे तो चल सकती है देखो। पानी भी ज्यादा आएगा, थोड़ा बहुत होता है यार, तो चल भी जाती, पानी बहुत है और हवा चल रही है, और हवा चल रही है यार, ये चल पाएगी भाई। ओए ओए रोक के, अरे रोक ले बच्चा, ये ओए देखो, अच्छा मैं बैठ जाता हूं इसके ऊपर, आप तुम चलाओ, मैं जा रहा हूं, मैं बैठूंगा ठीक है, पकड़ के चलाते भाई, पकड़ के चलवाते। अरे भैया साहब कर लो, मैं जीत नहीं सही है साहब, रामू पहले भैया जा, मैं कैसे बैठूं भाई इस पे, पकड़ लिया जेब पार कर, चला 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 चला, ए डॉक्टर बनने का भैया साहब, अरे मैं गया उठा तो, चलो आराम से चलो, जिला 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 मोड़ो एंटर जिला करो यार, ओ यारी भैया मैं सॉरी बोलता हूँ आप सभी को, इसके लिए भैया बोलो एक्सपेरिमेंट सक्सेस ही नहीं होता तो भाई इसमें हम क्या करें भाई, हम तो सक्सेस के लिए बनाते हैं, लेकिन अब सक्सेस नहीं होता तो इसमें भैया हमारा कोई कसूर नहीं है, तो प्लीज यार इसका गलत कमेंट मत करना। तो चलो अब भाई हम थोड़ी मौज मस्ती कर लेते हैं, ना लेते हैं इसको तो भाई निकाल देते हैं। इस बाइक पानी से निकाल कर बाहर फेंक दिए हमने और इसका सारा कचूमर निकल गया भैया, ये पहली बार भी सक्सेस नहीं हुआ था और अब की बार भी सक्सेस नहीं हुआ था, तो प्लीज इस पे गलत कमेंट मत करना है कि सक्सेस नहीं हुआ था। भाई क्या करें, हम तो सक्सेस करने के लिए बनाते हैं, अगर भाई सक्सेस नहीं होता तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, तो भाई प्लीज मेहनत काफी लगी है, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कर देना और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।